हेलो फ्रेंड्स, और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। ठीक है, 10-11 नए वर्ड हैं जो लिए हैं, दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा। ये नए वर्ड हैं और एक नया आज नया एक माइक लिया है। ठीक है, इस नए माइक की बताना वॉइस क्वालिटी कैसी। ठीक है, उस माइक में आवाज़ बड़ी धीमी आया करती थी, तो इस माइक में बताना वॉइस क्वालिटी कैसी है। स्टार्ट नाउ। पहला वर्ड है पायरेट। पायरेट माने क्या होता है? क्या होता है भाई पायरेट माने? पायरेट माने टू स्टील समवन्स टैलेंट। मतलब कि टैलेंट माने ये होता है कि कोई काम जो एक किसी बंदे ने करा है, इस बंदे ने करा है, इसको चुरा लेना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चुरा लेना। मतलब कोई मूवी बनी है, ठीक है, उस मूवी को रिलीज़ होने से पहले ही वो मार्केट में आ जाए, कोई किताब बनी है, किताब लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में आ जाए, तो इस टाइम काम को क्या बोलते हैं? पायरेट। ठीक है, पायरेट बोलते क्या बोलते हैं? पायरेट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, थ्रिल। थ्रिल माने क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। थ्रिल माने क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। मतलब एक हैप्पीनेस का जो लेवल होता है बिल्कुल लास्ट वाला लेवल होता है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। और ये खुशी कब होगी? जब आप जॉब ले लोगे, जब आप सिलेक्शन ले लोगे, तब हो जाओगे। और जब आपको मेंटल पीस मिलेगी, तब आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ोगे। ठीक, इसके बाद क्या? टेरिफाइड। टेरिफाइड मैंने एक्सट्रीमली डेडफुल, जो बहुत डेडफुल मैंने होता है भयानक। ठीक है, और टेरिफाइड मैंने डरा हुआ, बहुत ज़्यादा ही जो चीज़ भयानक होती है, उस भयानक चीज़ को देख के डर जाना, उसे क्या बोलते हैं? टेरिफाइड। क्या बोलते उसको? टेरिफाइड। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एक्यूट। क्या है एक्यूट? एक्यूट माने क्या होता है माई डियर फ्रेंड्स? एक्यूट माने क्या होता है? एक्यूट हैविंग शार्प माइंड। हैविंग शार्प मैंने एक्यूट माने जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले, मतलब मेंटल, जिनकी मेंटल एबिलिटी बहुत तेज होती है, उन्हें वो बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट माने क्या बोलता है? तेज बुद्धि वाले। नेक्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। गुड इनफ माने प्लीजेंट माने हाँ, साफ काम चला हुआ, मतलब ये सही है। प्लीजेंट माने को ये किसी भी सेंस में हो सकता है कि किसी का प्लीजेंट बिहेवियर, प्लीजेंट ड्रेसिंग सेंस, ये मतलब गुड सेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, टीडी। टीडी माने क्या होता है? क्लीनलीनेस। टीडी माने क्या होता है? टीडी माने होता है साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। टीडी माने क्या होता है? साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। रिवेंज। रिवेंज माने होता है किसी से बदला लेना। ठीक है, रिवेंज माने क्या होता है? बदला लेना। अराउस माने उत्तेजित करना। अराउसिंग फीलिंग मैंने किसी से उत्तेजना की भावना से किसी से बदला लेना होता है। ठीक है, लड़ाई करने की फीलिंग वाली होती है। ठीक है, और एरिस्टोक्रेट माने क्या होता है? बिलोंगिंग टू वेल्थी फैमिली, मतलब धनी वर्ग के परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने, ये देखो ये तीन वर्ड हैं मस्त मस्त। ठीक है, पैरागॉन। पैरागॉन माने क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है, उसे पैरागॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरागॉन बोलते हैं। ठीक है, सस्टेन। सस्टेन माने मेंटेन समथिंग, यहाँ पे डैश होना चाहिए था। सस्टेन सस्टेन माने किसी चीज़ को मेंटेन समथिंग। ठीक है, आपके पास जो नॉलेज है उसको आप बनाए रखे हो ना, उसे भूल तो नहीं गए हो ना, आपने जो जिम कर करके बॉडी बनाया उसे भूल तो नहीं है, वो आपकी जिम जाना छोड़ दी तो आपकी बॉडी कम तो नहीं हो रही है ना, आपके जो रिलेशनशिप उसको मेंटेन करके आपने रखा है ना, उसे सस्टेन करके रखा रहना, बना के रखे रहना, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसे सस्टेन करके रखे रहना। ठीक, इस टाइप का जो होता है उसे सस्टेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ को बना के रखना उसे क्या बोलते हैं? सस्टेन बोलते हैं। एम्पूटेट। एम्पूटेट माने टू कट आउट द बॉडी पार्ट विच नॉट एक्ट प्रॉपरली। ठीक है, एक अपने शरीर के किसी ऐसे पार्ट को काटना होता है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, और उसको काट के जो जांच करवानी होती है उसे बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शरीर को काट, उस अंग को काट के जांच करवानी होती है उसे बायोप्सी बोलते हैं। और जब मरे हुए शरीर, जैसे डेड बॉडी जब मर जाता है आदमी, तो ये जाँच, ये मरा आदमी कैसे, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो काम करते हैं उसे ऑटोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। बता रहा ऑटोप्सी की स्पेलिंग लिख रहे हैं AUTOPSY, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। और इस चीज़ की जांच कराने क्या बोलते हैं? उस शरीर के भाग को, जिस शरीर का भाग खराब है उसे बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। ठीक है, ये 11 वर्ड थे जो मैंने डिस्कस करे यार आप लोगों से, 11 वर्ड जो मैंने डिस्कस करे। ठीक है, 11 हैं, इनको अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर करिएगा। ठीक है, आप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करिएगा, और आप जहाँ भी हैं इंस्टाग्राम सब जगह आप इस चीज़ को शेयर करिएगा। और कोई भी सुझाव इस वीडियो को बेटर बनाने के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके नीचे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग ऑफ।